पोको के F5 डिवाइस के लिए यहाँ पे DXUI का एक लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, जिसके बाद आपके कमेंट आए थे भाई ये काफ़ी लंबे टाइम बाद आया है तो इसका वीडियो लेके आओ। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, इसमें क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है, बैटरी डिटेल, कस्टमाइजेशन, UI में क्या क्या चेंज आया है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्या है, कैसे इंस्टॉल करना है और इसे ट्राई करना चाहिए, यूज करना चाहिए या फिर नहीं। वीडियो अच्छा लगता है तो यार लाइक कर देना, आपके लाइक बहुत कम आते हैं, प्लीज कर दिया करो। ये वॉलपेपर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और यहाँ पे देखो शॉर्टकट लगाने के आपको ऑप्शंस वगैरह मिल जाते हैं, जहाँ पे वन टाइम में बाकी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। नेबार वगैरह भी दिया गया है बट ये हल्का सा ओवरलैप करता है साइड के शॉर्टकट्स के ऊपर, जो कि कोई खास इशू नहीं है, लेकिन हाँ ओवरलैप है तो मे बी आने वाले टाइम में सॉल्व हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको पिक्सल वाला ही लॉन्चर देखने को मिलता है, एनिमेशन देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा है जैसा कि पिक्सल में रहता है, ये चीज़ सही लगी। बाकी यहाँ पे जो कैमरा दिया गया है वो आपको देखने को मिलता है, इसका डिफॉल्ट वाला पोको कैमरा कह लो या हाइप्रोस कैमरा कह लो, जो कि वर्किंग है। सेटिंग का आइकन देख सकते हो यहाँ पे चेंज है। बाकी हम आते हैं सेटिंग के अंदर, तो इसका ये खुद का कस्टमाइजेशन है जो कि थोड़ी देर बाद चेकआउट करेंगे। पहले आते हैं बॉटम पे, जहाँ पे आपको दिखाई देता है अबाउट फोन, जिसका UI पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है, जो कि थोड़ा डिफरेंट सा फील देता है। जहाँ पे ऑफिशियल का टैग है, अप टू डेट लिखा हुआ है, जिस पर आप इस तरीके से क्लिक करके अपडेट को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे रिफ्रेश का आइकन भी दिया हुआ है। ये जो वर्जन है वो है 3.0.2 का, एंड्रॉयड 15 5 मैक का। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सिक्योरिटी, एंड्रॉयड 15 है, हमारे मेंटेनर का नेम आपको देखने को मिल जाएगा और कर्नल वगैरह आप देख सकते हो, सिलिनक्स आपको इन्फोर्सिंग नजर आता है। बाकी हम बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे बाकी अदर डिटेल देखने को मिलता है और UI रियली में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फील कराता है, तो इससे रिलेटेड आपको ज़्यादा से भी दिक्कत नहीं आती, ये मुझे इसकी अच्छी बात लगी है। इसके बाद यहाँ पे आपको बाकी वही कॉमन से ऑप्शन मिलते हैं और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में एक चीज़ मुझे मिसिंग लगी है, वो है फेस अनलॉक, क्योंकि ये मुझे देखने को नहीं मिला। तो फेस अनलॉक होता तो बेटर होता, बट आप बताना कि आपको देखने को मिला या नहीं। प्राइवेट स्पेस वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है, बाकी वही सारे कॉमन से ऑप्शन आपको मिलते हैं जिसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है सिस्टम, जहाँ पे आपको दिखाई देता है जेस्टर्स के ऑप्शन, जैसे कि स्क्रीनशॉट, टैप टू चेक वगैरह के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे नेविगेशन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे किधर गया भाई हमारा ये, तो जेस्टर नेविगेशन बार सर्कल टू सर्च दिया गया है और बस एक ही सेटिंग आपको यहाँ पे नजर आता है। बैक की ओर आने के बाद आपको मिलता है ये फाइल ट्रांसफर का ऑप्शन, जो कि फर्स्ट टाइम बूट के टाइम पे आपसे पूछ देता है कि भाई ट्रांसफर करना है या नहीं फाइल वगैरह। बाकी यहाँ पे इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ये थोड़ा सा गैप है जो कि कुछ टाइम बाद समटाइम फुलफिल हो जाता है, समटाइम नहीं होता, इग्नोर कर सकते हो। सिस्टम का जो डिवाइस डायग्नोसिस है वो आपको मिलेगा, गेम बार दिया गया है, लेटेस्ट वाला यूज किया गया है, जो कि आप अपने हिसाब से इसमें यूज में ला सकते हो। अनदर बैक की रात है तो आपको मिलता है बैटरी, जहाँ पे आपको दिया गया है चार्जिंग कंट्रोल, यहाँ पर ऐप का प्रोफाइल भी आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे सिंगल सिंगल एप्लीकेशन के लिए आप परफॉर्मेंस को अपने हिसाब से बूस्ट कर सकते हो। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको पावर टूल भी दिया गया है जो कि काफ़ी सही तरीके से काम करता है, बट आपको इसका यूज करना आना चाहिए। यहाँ पे आपको मिलता है बैटरी का आपको डायग्नोसिस और विजेट्स वगैरह, तो ये एक ऑप्शन मिल जाता है जो कि किसी किसी रूम में ही नजर आता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर थोड़ी अच्छी लगी है। इसके बाद आपको मिलता है वॉलपेपर एंड स्टाइल, जहाँ पे इसके खुद के वॉलपेपर दिए गए हैं, अच्छे खासे कलेक्शंस आपको मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बाकी आप अपना डिफरेंट भी यूज कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वॉलपेपर यूज करना चाहते हो। बाकी लॉक स्क्रीन में वही सारे बेसिक से ऑप्शन आपको मिलते हैं, ऑलवेज ऑन और बाकी अदर चीज़ें जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। डिस्प्ले के अंदर ऑटो ब्राइटनेस आपका वर्किंग है, डार्क मोड के अंदर यूज ब्लैक थीम आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे लाइव डिस्प्ले का ऑप्शन है, कलर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, टैप टू स्लीप वगैरह का है, डिस्प्ले सैचुरेशन है और HBM वगैरह भी दिया गया है जो कि सही है। मोड्स के अंदर वही कॉमन से बेसिक से सारे सेटिंग है। साउंड के प्रोफाइल पे यहाँ पे आपको डॉल्बी का ऑप्शन मिल जाता है और बाकी यहाँ पे वही सारे कॉमन ऑप्शन आपको मिलते हैं। ऐप्स के अंदर आपको क्लोन ऐप और ऐप्स लॉक वगैरह मिल जाता है जो कि काम करता है, जिसे मैंने यहाँ पे ट्राई कर रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब बारी आती है इसके खुद के कस्टमाइजेशन, तो यहाँ पे मिलता है सिस्टम, जहाँ पे आप फॉन्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हो, कई सारे फॉन्ट्स दिए गए हैं, आइकन पैक आपको मिल जाता है, सिग्नल आइकन आपको मिल जाता है, वाईफाई का है, यहाँ पे आइकन सेव भी आपको मिल जाएगा, कॉलिंग से रिलेटेड आप वाइब्रेट यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। एक्सेस बार में आपको इनेबल ऑनगोइंग प्रोसेसिंग बार चिप आपको मिल जाता है, वाईफाई का ऑप्शन है, नेटवर्क ट्रैफिक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। किक सेटिंग के अंदर बैटरी के कई सारे स्टाइल दिए गए हैं, बैटरी परसेंटेज वगैरह उसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। पावर मेनू में एडवांस और पावर मेनू का ऑप्शन मिलता है। नोटिफिकेशन के अंदर आपको पीक डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, साथ साथ यहाँ पे नाउ बार जो है उसे आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन काउंटडाउन और कॉम्पैक्ट का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। मिसलेनियस के अंदर इग्नोर विंडो सिक्योर का ऑप्शन है और ये है विजेट्स का, जो कि मैंने लॉक स्क्रीन पे अप्लाई कर रखा है, ये आजकल मैक्सिमम रूम में आने लग गया है, बट इसे जब फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हो तो ज़्यादा चेंज आपको नजर नहीं आता, उसके लिए सिस्टम को UI को रीस्टार्ट करना पड़ेगा या रिबूट करना पड़ेगा।
तब जाके ही ये चेंज नजर आते हैं। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी प्लस का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन के अंदर अनलॉक एनिमेशन है, वेदर का सेटिंग वगैरह है, क्लॉक के कई सारे फॉर्मेट दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो जो भी आपको रखना है वो आप यहाँ पे रखो, आपको दिखाई देगा। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है बटन एंड जेस्चर, जहाँ पे पावर अप कंट्रोल है, प्लेबैक का है, स्क्रीन शॉट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है जो कि सिस्टम के अबाउट में भी था। अनदर आता है बैटरी, जहाँ पे वही लैंडस्केप के कई सारे ऑप्शन है, बाकी परसेंटेज का है। तो यही कस्टमाइजेशन है जो कि ज़्यादा नहीं है, थोड़े और होने चाहिए थे, बट मे भी आने वाले टाइम में हो सकते हैं, बट अभी फिलहाल नहीं मिलते हैं, लेकिन जितना भी है सही है। और यहाँ पे ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग वगैरह भी आपको यहाँ पे काफ़ी हद तक सही देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा ज़्यादा कस्टमाइजेशन है नहीं, तो डायरेक्ट हम स्विच करेंगे अपने परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट के ऊपर। सेटअप कंप्लीट करते ही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है बाय डिफॉल्ट ऐप, जो कि ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे कुछ इतने देखने को मिलेंगे, बाकी आप अपने नीड के हिसाब से डाल सकते हो। बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 69 से मॉर्निंग में आता है 63, जहाँ पे फुल नाइट में 6% का बैटरी ड्रॉप है, जो कि मैं कहूँ थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मे बी नेक्स्ट अपडेट में इसे इंप्रूव किया जाएगा, बट अभी के टाइम पे ये थोड़ा सा ज़्यादा है। अनदर ये है नॉर्मल सीपीयू टोटल, जो कि ठीक नहीं है, लेकिन जैसे मैं इसका पावर प्रोफाइल यूज करता हूँ, बूस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे 4,12,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे है, जो 3,51,000 है। मॉर्निंग के टाइम की टेस्टिंग है, जहाँ पे मौसम थोड़ा कूल रहता है, नॉर्मल फैन चालू था, ज़्यादा कुछ नहीं था। ये हमारा अनटूटू स्कोर, जो कि ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही है। सर गीक में थोड़ा सा वीक आया था, क्योंकि फ़ोन हल्का सा हीट हुआ था, हल्का सा, उसके बाद जैसे कूल हुआ मैंने दोबारा चेक किया, तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा है। गीक बेंच में कोई कमी नहीं आती है, और ईवाई वगैरह तो आपने देख ही रखा है क्या कुछ देखने को मिलता है। और हाँ, नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से आपको डॉट डॉट दिखाई देते हैं, एक एक नोटिफिकेशन पर जैसे आप टैप करोगे नोटिफिकेशन क्या है वो आपको शो होंगे। ये अभी नोटिफिकेशन आया हुआ नहीं है, अदरवाइज मैं आपको शो कर देता, तो उसी का स्क्रीन शॉट वगैरह है। सर यहाँ पे एक इशू देखने को मिला, वो है डिवाइस नोटिफिकेशन पास नहीं होना, तो इसे आपको मैनुअली पास करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे तीनों के तीनों फेल मुझे देखने को मिले हैं। तो ये थोड़ा सा इशू है, जो कि आप सभी के लिए मे भी थोड़ा डाउटफुल वाली चीज़ें कर देता है कि यार इसे फिक्स करना पड़ेगा, डालना चाहिए नहीं, ऐसे डाउट आपके मन में आ जाएंगे इसे डालने के बाद, तो ये डिसाइड कर लेना। बाकी कैमरा वगैरह हमारा काम कर रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग काम कर रहा है, फोटो स्टोरेज भी अनलॉक नहीं किया गया, काफ़ी तक सिंपल रखा गया है, और आपको गेमिंग में ऑनली ऑन एक्सट्रीम प्लस देखने को मिलता है, यानी कोई भी एक्स्ट्रा मोटिवेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलता, ना ही फोटो स्टोरेज से रिलेटेड, ना ही डिवाइस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, और ना ही यहाँ पे गेमिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे सारी चीज़ें काफ़ी तक सिंपल है, और यहाँ पे 18 मिनट में 44% बैटरी चार्ज हुआ है, जो कि मैं कहूँ ओवरऑल काफ़ी सही आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इस रोम की तरफ से आती है। और रही बार डालना कैसे, तो ये आपका सिंपल सा ADB साइड लोड का मैथड फॉलो कर लेना है, या ऑरेंज फॉक्स रिकवरी से भी आप इसे डाल सकते हो, और अपना लेटेस्ट FW आप चाहो तो फ्लैश कर सकते हो। अदरवाइज पिछला रोम आपका काफ़ी अच्छा रहा था, FW सपोर्टेड था, तो इसमें आपको नीड नहीं पड़ेगी, अदरवाइज फ्लैश करोगे तो बेटर ही रहेगा। मैं लास्ट में एक इंस्टॉलेशन गाइड ऐड कर दूंगा, जिसे फॉलो करके आप इसे डाल पाओगे। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही सा था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय। और हाँ, लाइक जरूर करना। आपको ये फ्लैशिंग गाइड फॉलो करना है, पहले आपको अपने फोन को ऑफ करना है, पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे फास्ट मोड ऑन हो जाएगा। PC से कनेक्ट करके आपको अपना रिकवरी डाल लेना है ADB साइड लोड का, या फिर आप ऑरेंज फॉक्स से भी मेथड फॉलो कर सकते हो, आपको जैसा मर्जी लगे, लेकिन ADB थोड़ा बेटर तरीका है। और ये टूल यूज कर लेना, जो कि वन टाइम में रिकवरी इंस्टॉल कर देता है, जो कि मैंने यहाँ पे यूज करा है, इसका डेडिकेटेड वीडियो मैंने दे रखा है। पहले आपको नॉर्मली ADB से वाइप कर लेना है, फॉर्मेट कर लेना है, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। जैसे आपका फॉर्मेट हो जाता है, वापस आपको बैक करना है, इंस्टॉल अपडेट पे जाना है, ADB को सेलेक्ट कर लेना है, और अब आपको CMD कमांड ऑन करना है प्लेटफॉर्म टूल के अंदर जाके, और वहीं पे आपको रोम को भी रख लेना है। CMD टाइप करके इंटर करते हैं, आपका कमांड ओपन हो जाएगा। अब कमांड डालना है ADB साइड लोड, उसके बाद यहाँ पे आपका है जो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जो भी आप रोम फ्लैश कर रहे हो, और अगर FW रिकमेंडेड है तो मैं डाउनलोड लिंक के साथ मेंटेन कर दूंगा। आप पहले FW को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंटर क्लिक कर देना है, वो फ्लैश होता है, तो आपको रोम को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंटर क्लिक कर देना है, जो कि कुछ ही मिनट के अंदर जो फ्लैश हो जाएगा। फाइनल एक आपको ऑप्शन आता है फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद कि रिबूट करना है या नहीं, आप रिबूट कर लो, दोबारा रिकवरी आपका ओपन होगा। अगर रोम के साथ रिकवरी दिया गया तो आपका रिकवरी रिप्लेस हो सकता है, डोंट वरी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको फाइनल यहाँ पे फॉर्मेट कर लेना है, और फॉर्मेट करके रिबूट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे फॉर्मेट एंड रिबूट करते हो, आपका फोन कुछ ही सेकेंड में ऑन हो जाएगा, बूट एनिमेशन देखने को मिलेगा जो भी आपने रोम डाला है। उसके बाद आप सिंपल सेटअप करो, यूज करो और मजे करो। और वीडियो अच्छा लगा है, प्रोसेस समझ में आ गया है, तो यार प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे मेरे चैनल पे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।